हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी अच्छे हैं कि नहीं है नीचे कमेंट कीजिए। आप सारे अच्छे हैं ना? सारे मस्त है ना? सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही है ना? प्रिपरेशन आपकी मस्त चल रही है ना? अगर नहीं चल रही है फ्रेंड्स, तो प्रिपरेशन में थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिए, क्योंकि आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है, सब चीज हो चुका है, शेड्यूल भी आ चुका है, सब पता है आप लोग को। ठीक है फ्रेंड्स, बिल्कुल डरना नहीं है और बिल्कुल हताश नहीं होना है। बिल्कुल निगेटिविटी को तो फटक ऐसे कर देना है। पॉजिटिव होप हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम डेट आ गया है तो अब ऐसे हड़बड़ाना नहीं है कि बहुत दिन हो गया, अरे बहुत कम समय है, बहुत कम समय कैसे करें कैसे करें। नहीं नहीं नहीं, सब चीज को आराम आराम से कीजिए, धीरे थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिए अच्छे से। और इसके लिए सर ने एक वीडियो बनाया है ऑलरेडी, डेडिकेटेड इसके लिए ही है सिर्फ, कि कैसे आपको एग्जाम टाइम का इतना अब कम टाइम बचा है तो कैसे प्रिपरेशन करना है, वो जाके आप देख लीजिए, उससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप लोग सारा क्लास देख रहे हैं ना? अभी सर मैम की मैथ्स की क्लास देख रहे हैं कि नहीं? प्रैक्टिस बैच चल रहा है मैम की, मनीषा मैम की, तो ऑलरेडी आप लोग के लिए कितना अच्छा से मेहनत करके उन्होंने सारा क्लास करवा दिया है और अब प्रैक्टिस बैच उन्होंने शुरू कर दिया इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। फ्रेंड्स आप लोग वो बैच देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया कि नहीं? रीजनिंग बाय विक्रम सर, रीजनिंग के लिए, मैथ्स बाय अभिषा मैम, मैथ्स के लिए, एग्जाम एक्सप्रेस मेन टेलीग्राम ग्रुप मैम के लिए, मनीषा मैम का, उसमें पूरा आता है अपडेट्स। ठीक है, ये सारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए फ्रेंड्स। चलिए, कोई भी देरी नहीं करना है, आप लोग के पास टाइम कम है इसलिए टाइम ज्यादा नहीं लेना है। और चलिए हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस किसका किसका रीजनिंग का प्रैक्टिस। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए लगा दीजिए क्वेश्चन नंबर वन। ओके चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर वन देखिए फ्रेंड्स क्या है। क्वेश्चन पता है फ्रेंड्स आपको किधर आता है? क्वेश्चन सब अवगत हो गए आपको, क्वेश्चन किधर आता है सर? क्वेश्चन इधर आता है सर, राइट साइड में सर, आपके राइट साइड में, वेरी गुड। चलिए चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा तबियत अभी भी रिकवर हो रहा हूं मैं, तो थोड़ा सा अगर एनर्जी वगैरह सही न लगे तो थोड़ा सा कॉपरेट कीजिएगा मेरे साथ। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है चलिए। ओके, पहला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, देख लिया अरे अभी तक बहुत लोग का आंसर आ जाना चाहिए। चलिए लिखिए आंसर, फटाफट आइए लाइए आंसर। आर ई क्यू यू आई आर ई रिक्वायर्ड है, पर किसके बारे में बोला है? आर ई क्यू आर, ओके उसके इसके बारे बोला है, अरेंज के बारे में पूछा है। A डबल R A N G E इसके बारे में पूछा है, रिक्वायर के बारे में। कितना रिक्वायर का मतलब कोड कितना दिया हुआ है? 100, इसका दिया हुआ है 100, अब इसका पूछ रहा है। चलिए आप लोग निकालना शुरू कीजिए फ्रेंड्स, किन किन का आंसर आ गया, नीचे आंसर करना शुरू कीजिए, आप लोग आंसर करना शुरू कीजिए। बहुत सारे बच्चे आंसर करते हैं, बहुत अच्छा लगता है आप लोग आंसर देखते हैं, सही सही बहुत अच्छा लगता है, लगभग बच्चे आंसर सही करते हैं, लगभग बच्चे। ठीक है, किसी किसी दिन अच्छा, ये अच्छा लग रहा है ना कि आप लोग का प्रैक्टिस अच्छा हो रहा है और बहुत सारे लोग अच्छे से पढ़े हैं, क्योंकि आप लोग का मार्क्स देखते हैं वहां पे, सबका कमेंट देखता है, तो कमेंट का रिप्लाई भी करते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का आंसर अच्छा आता है, बहुत सारे बच्चे का है। चलिए बीजी तो नाम लेते रहेंगे। चलिए अब देखिए फ्रेंड्स ये कैसे हो रहा है, तो चलिए क्या आप लोग को सबको कोड याद है, सबका नंबर याद है, किसका कितना नंबर होता है सबका याद है, तो नंबर याद है तो बताना शुरू कीजिए। आर का कितना होता है फ्रेंड्स? आर का होता है 18, ई का होता है 5, क्यू का कितना होता है जल्दी बताइए, क्यू का कितना होता है जल्दी बताइए, क्यू का कितना होता है फ्रेंड्स 17, यू का कितना होता है जल्दी बताइए 21, आई का कितना होता है 9, आर का कितना होता है 18, ई का कितना होता है 5। चलिए फ्रेंड्स आप इसे सबको अगर ऐड कर देते हैं तो कितना होता है, देखिए तो 8 5 13 7 20 20 10 30 30 13 43 के 3 हासिल 4, 4 1 5 5 2 7 7 1 8 8 1 9 93 आया सर, ये तो कुछ नहीं हो रहा है फ्रेंड्स। इस टोटल को ऐड करने के बाद कितना है 93, और ये कितना है 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 100 आ जाएगा। मतलब क्या लॉजिक लग रहा है? लॉजिक ये लग रहा है कि जितने लेटर हैं उस सबका जो नंबर है, नंबर मतलब अल्फाबेटिकल नंबर जितना है सबका, उस सबको ऐड करने के बाद और इस जितना लेटर है इसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर उसको प्लस कर देंगे तो वो हो जाएगा हमारा, ये हमारा लॉजिक हो रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स क्या आप लोग इसका कर सकते हैं, जल्दी जल्दी निकालिए, बहुत लोगों का तो आंसर आ भी जाता है, बहुत फास्ट करते हैं आप लोग कभी कभी, और ये अच्छी बात है आप लोग का प्रिपरेशन है। चलिए हम कोड लिख रहे हैं, आप लोग जल्दी से इसको, जी का कितना होता है भाई साहब, चलिए कितना हो गया फ्रेंड्स बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, तारा तारी एकदम स्पीड में करना है। चलिए 8 8 16 17 18 18 4 22 22 5 27 27 7 34 के 4 हासिल 3 3 1 3 1 4 1 5 1 6 यही है फ्रेंड्स।
यही होगा क्या, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 कितना हो गया, ये 71 है क्या ऑप्शन में, 71 हाँ मिल गया, 71 ऑप्शन में है आंसर 3। एक और काउंट कर लीजिए, 8 8 16 16 2 18 4 22 5 27 7 34 के 4 हासिल 3 3 1 4 1 5 1 6 64 प्लस 7 71, जिनका 71 आया वेरी गुड, जिनका 71 आया वेरी गुड, समझ में आ गया ना फ्रेंड्स कि कैसे क्या हुआ, सब लेटर को ये करके और उसको हम फिर एक बार क्या किए, सबको जो है एक साथ एड करके लेटर के नंबर को एड करके फिर उसमें क्या किए हम लोग, क्या किए उसमें ये नंबर टोटल नंबर जो था उसको ऐड कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 लगा दीजिए, हटा दीजिए इसको, क्वेश्चन नंबर 1 हटा दीजिए। तो ये चलिए फ्रेंड्स फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है ना आप लोग को, आंसर करना शुरू कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोला है इसके बारे में बोले, आप लोग फ्रेंड्स बनाना शुरू कीजिए, हम आपका यहाँ पे तो करेंगे ही, हम तो करेंगे के के प्लस यू माइनस टी के प्लस यू माइनस टी गुना आर भागा, ये प्लस है या प्लस ही है, भागा एम ये दिया हुआ, पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि के एम से कैसे संबंधित है या किस प्रकार संबंधित है, हाउ इच के रिलेटेड टू एम, के का एम के बारे में पूछ रहा है। चलिए फ्रेंड्स आप लोग सॉल्व करना शुरू कीजिए, फटाफट इसको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, उसके बाद हम तो आंसर लिखेंगे, मतलब सॉल्व हम भी करेंगे, पहले आप लोग कीजिए जल्दी और आंसर आना शुरू हो जाना चाहिए अभी तक। देखिये बहुत सारे लोगों का आंसर गलत आ जाता है तो कोई बात नहीं है, होता है, क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे सॉल्व करके आंसर देना है। बहुत सारे बच्चे बोलते रहते हैं नीचे कमेंट में, देखते रहता हूँ मैं कि सर मेरा नाम क्यों नहीं लेते हैं आप, बहुत सारे बच्चे हैं, आदर्श जी आप अच्छा कर रहे हैं, मैं कभी कभी आपका नाम भूल जाता हूँ लेकिन कमेंट में आप देखें तो आपका मैं रिप्लाई करते रहता हूँ, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपका भी आंसर सारा अच्छा आता है, डोंट वरी। सगुन राणा जी हैं उनका भी आंसर बहुत अच्छा आता है, पूजा जी हैं उनका भी आंसर बहुत अच्छा आता है, अखिलेश जी एलेक्स जी हैं उनका भी आंसर बहुत अच्छा है, जॉन जी हैं उनका भी आंसर बहुत अच्छा आता है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं सबका आंसर अच्छा आता है, सारे इतने आप लोग कभी कभी एकदम चैट इतना स्पीड करते रहते हैं कि मतलब दुबे जी हैं कोई एक अभय दुबे करके हैं कुछ लोग, अभय नहीं दुबे करके हैं उनका पूरा नाम याद है मेरे को, उनका भी अच्छा आंसर अच्छा आता है। एक है मंजय या कुछ करके हैं, माइजर हैं कुछ करके, उनका भी एम से ही उनका नाम है, उनका भी आंसर अच्छा आता है, बहुत सारे बच्चे हैं सबका आंसर अच्छा आता है। चलिए श्वेता जी हैं आपका भी आंसर बहुत अच्छा आता है। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसमें क्या बोल रहा है देखिए फटाफट आइए आप लोग भी सॉल्व करके आंसर देना शुरू कर दिए होंगे मेरे हिसाब से। चलिए ए प्लस बी का अर्थ होता है ए बी की माँ है, के प्लस बी का मतलब क्या, के यू की माँ है, ड्रॉ हो जाना चाहिए आप लोग का फटाफट, के यू की माँ है। उसके बाद क्या बोला, माइनस का मतलब होता है कि ए बी की बहन है, मतलब यू टी की बहन है, यू टी की बहन है, डिसाइड होकर। उसके बाद क्या बोल रहा है, ए गुना बी का अर्थ होता है कि ए बी का पुत्र है, ए टी जो है आर का पुत्र है, भाई साहब मिल गया यहाँ पे हमको क्या, पति पत्नी मिल गए, आर का पुत्र है मिल गया, टी आर का पुत्र है ना, कि ए मतलब ए बी का पुत्र है, ओके वेरी गुड। उसके बाद एम के बारे में पूछ, क्या भागा के बारे में क्या बोला है, भागा के बारे में क्या बोला है, ए भागा बी का होता है कि ए जो है बी का पिता है, कि आर जो है एम का पिता है, तो आर जो है तो इसी में रेस्पेक्ट में, इसी के रेस्पेक्ट में ये भी आएगा, इन्हीं के इन्हीं का बच्चा, इन दोनों का ही बच्चा ये भी होगा। एम के बारे में कुछ बोला नहीं, एम प्लस एम से कोई बात नहीं, ठीक है। उसका क्या पूछ रहे हैं कि के का एम के साथ क्या रिलेशन है, के जो है एम की क्या हो गई, माता जी हो गई, देख लीजिए माता जी ऑप्शन किसमें, मदर हो गई, मदर ऑप्शन किसमें है, वन में, ऑप्शन वन में ही, ऑप्शन वन में ही मदर है ना, देख लीजिए हाँ मदर, मदर ऑप्शन वन, जिन लोग का मदर आया था बहुत अच्छी बात, वेरी गुड, अपने लिए क्लैप कर लीजिए, ठीक है। समझ में आ गया ना फ्रेंड्स, समझ में आ गया ना, ये तो बताया मैं आपको बेसिक बैच में अच्छे से, यहाँ पे भी देख लीजिए समझ में आ गया ना। चलिए मदर हो गया एक बार, चलिए दूसरा क्वेश्चन लगा दीजिए, 3 नंबर, ये क्वेश्चन हो गया खत्म, 3 नंबर फ्रेंड्स क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, 3 नंबर क्वेश्चन लगाइए, लग चुका है सॉरी। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना आप लोग शुरू कर दीजिए फटाफट, क्या है 3 नंबर क्वेश्चन, अच्छा 3 नंबर क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आप लोग के लिए चूज करते हैं हम लोग कि आपका क्वेश्चन अच्छा हो। फ्रेंड्स इसको हम इसका जो है आपको है और क्या बोलते हैं बोर्ड पे सिर्फ हम इसका आंसर लिखेंगे, आप लोग खुद दिख रहा है तो आप लोग इसका आंसर बताइए, जल्दी से बताइए इसका आंसर, थोड़ा सा टाइम ले लीजिए कोई बात नहीं, बताइए लिखे आंसर, जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा,
तीन का आंसर क्या होगा फटाफट बताइए आप लोग। तीन का आंसर बताइए। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को ना टैकल करने वक्त ना आप क्या कीजिएगा, अगर ज्यादा हॉट पर छोड़ो तो ऑप्शन एलिमिनेट करना शुरू कर दीजिएगा। ऑप्शन एलिमिनेट करके इस क्वेश्चन को आप ज्यादा इजी बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि पहले बीच वाले को अगर वो जो स्टार है उसको लेंगे तो क्या होगा ना, अल्टरनेट पे स्टार आता है, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट जो हमारा डायग्राम बनेगा उसमें स्टार नहीं आएगा, तो पहले जिसमें स्टार है उस पिक्चर उस फिगर को तो पहले यहां से हटा दीजिए। तो मतलब ऑप्शन तीन और ऑप्शन चार पहले हट गया, ओके। उसके बाद देखिए क्या हो रहा है कि ये सब जो भाई साहब हैं बाद बाकी भाई साहब जो हैं वो लोग ना शिफ्ट कर रहे हैं, तो देखिए जो सर्कल वाला है, सर्कल नहीं है वो, आपको उसको शायद हेक्सागन, हाँ हेक्सागन वाला जो है वो राइट की तरफ शिफ्ट होता है और वो एरो जो है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है, लेकिन वो अपना साइड एक एक बार चेंज करते रहते हैं। अगर आप गौर करेंगे तो हेक्सागन जो है वो जो है इधर आके मतलब अप ऊपर नीचे हो रहे हैं, हेक्सागन ऊपर नीचे हो रहे हैं, और वो एरो वाले जो है वो राइट की तरफ जा रहे हैं। तो जैसे ऐसे हैं तो ऐसे हो रहे हैं, ऐसे होंगे तो ऐसे हो जाएंगे, ऐसे शिफ्ट हो रहे हैं ना, देख लीजिए अगर आप लोग गौर कर रहे हैं तो समझ। हेक्सागन वाले क्या कर रहे हैं, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और वो ऊपर नीचे हो रहे हैं। अगर अभी जिस पोजिशन में है तो उनका जो भरा हुआ जो जगह है जो फील्ड है, तो वो अगर वो जब नेक्स्ट डायग्राम में क्या हो रहा है कि वो एक लेफ्ट जा रहे हैं और फील्ड वाला ऊपर आ जा रहा है, नीचे वाला ब्लैंक हो जा रहा है। और एरो के बारे में देखिए, एरो क्या है, अभी मान लीजिए कि ऐसे एरो है तो जब वो हमेशा राइट शिफ्ट कर रहे हैं नेक्स्ट में, अल्टरनेट नेक्स्ट में जो राइट शिफ्ट कर रहे हैं, तो अगर दूसरे में जा रहे हैं तो वो ऐसे हो जा रहे हैं, अपने डायरेक्शन भी चेंज कर रहे हैं, तीसरे में जा रहे हैं तो ऐसे हो जा रहे हैं, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, देखिए आप लोग हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और चौथे में जाएंगे तो ऐसे हो जाएंगे, ना, लेकिन एक एक जगह भी शिफ्ट कर रहे हैं, वही हो रहा है ना। चलिए तो उस हिसाब से आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर दो, वेरी गुड, हाँ ऑप्शन नंबर दो ही होगा आपका करेक्ट। वहां गया, वहां से यहां आया, यहां से यहां गया, और इसका डायरेक्शन ऑप्शन नंबर दो आपका करेक्ट होगा, जिसमें ऐसा वाला है, यही है ना, यही वाला है। चलिए फ्रेंड्स, तो जिसमें ये वाला है, ये वाला आपका आंसर है ऑप्शन नंबर दो सही है इसका, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया, अच्छे से बता दिए। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपका डायग्राम वाला ही क्वेश्चन है। चलिए चार नंबर क्वेश्चन भी डायग्राम वाले ही है, बनाइए इसको भी, आंसर आपके लाना चाहिए जल्दी जल्दी फटाफट। तीन का ऑप्शन दो था फ्रेंड, समझ में आ गया होगा आप लोग। चलिए चार का बताइए, चार में क्या बोला है, कि ये जो मतलब इसमें जो ये जो डायग्राम है, इसमें जो छिपा, इस ऑप्शन में से जो एक डायग्राम होगा जो उस मेन डायग्राम में छिपा हुआ है, इम्बेडेड है, तो उसमें बताना है आपको ऐसा कौन सा डायग्राम है। जल्दी से फ्रेंड्स, एलिमिनेशन मेथड उपयोग कीजिए। हाँ अब देखिए दोनों डायग्राम में, एक चीज था क्या, रोटेशन अलाउड नहीं था, उस चीज को फ्रेंड्स हमेशा याद रखना है। रोटेशन बताया था वो घुमावा अलाउड नहीं होता है, ना क्वेश्चन में लिखा है, तो इसे उसको हमेशा ख्याल में रखना है। चलिए इसका आंसर बताइए फटाफट फ्रेंड्स, चार का बताइए। देखिए अगर पहला वाला देखते हैं आप तो पहला वाला का आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें जो है ऐसा दिया हुआ है, लेकिन होना चाहिए ऐसा, तो पहला वाला नहीं होगा। दूसरा वाला देखते हैं, दूसरा वाला भी नहीं लग रहा है आपको, दूसरा वाला भी नहीं होगा। तीसरा वाला देखते हैं, हाँ तीसरा वाला फ्रेंड्स सही है। चौथा वाला तो डायरेक्शन ही चेंज है फ्रेंड्स, तीसरा वाला इसका आंसर हो गया। ये कैसे हुआ फ्रेंड्स पता है ना, आप इस डायग्राम को आपको खोल खोल के देखना पड़ेगा इस डायग्राम को, और ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और मतलब प्रैक्टिस का इस क्वेश्चन को अगर आप ठीक से देखेंगे ना, इसके साथ मैच करेंगे तो एक नई आकृति आपको फिट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम नहीं लगता है इसमें, फटाक से देख के हो जाता है, अगर हम पूरी सरसरी निगाह से देखें हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसका ऑप्शन हो गया तीन। चलिए क्वेश्चन नंबर पांच लगा दीजिए। पांचवा क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, देखिए आप लोग आंसर करना शुरू कर दीजिए। पांच नंबर क्वेश्चन का क्या है, पांच नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छे पांच नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाक से इसका आंसर देना शुरू कीजिए। मेरा डायग्राम ही सही नहीं बनता है, ठीक है, और नीचे भी कितना आंसर,
एक दो तीन ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आप लोग इसका आंसर बताइए फटाफट बताइए इसका आंसर कितना आ रहा है। बहुत लोग का आंसर आ गया होगा। कल के क्लास में अगर आपको याद होगा तो हम एक तरीका बताए थे, क्या बताए थे कि जब भी फ्रेंड्स आपको अगर ऐसा ट्रायंगल में एक बीच में दे दिया इसका मतलब कितना कितना होता है तीन। इस कंसेप्ट से आपका लगभग ट्रायंगल का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लगभग इससे लगभग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक और भी बताए थे, एक और बता देते हैं आप लोग देख लीजिए। अगर ऐसा रहे ठीक है तो एक दो तीन, तीन दो पांच, छह हो गया इसमें। अगर एक और चला जाता यहाँ पे चार हो जाता तो छह चार दस हो जाता है इसमें, बताए थे आप लोग को ठीक है, बताए थे ना फ्रेंड्स कल के क्लास में बताए हुए, यही बताए हुए थे ये ट्रायंगल के बारे में। तो इस चीज को हमेशा से याद रखिए और ऐसे वाले तीन का कंसेप्ट हमेशा याद रहेगा, आपका फ्रेंड्स फटाक से बन जाएगा। चलिए इसका आंसर बहुत लोगों को आ गया होगा, बहुत लोगों का आंसर आ गया होगा। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं एक बार, हम भी काउंट कर लेते। देखिए सिंपल सी बात है, इसमें देखिए इसमें जिसको हम जिधर मार्कर ये कर रहे हैं उसको गौर करना है। इसमें देखिए इसमें हो गया तीन, फिर इसमें देखिए इसमें हो गया तीन, हो गया ना तीन, तीन तीन छह, फिर इसमें देखिए फ्रेंड्स इसमें छह तीन नौ, फिर इसमें देखिए फ्रेंड्स नौ तीन बारह और एक नीचे तेरह, 12 + 1 = 13। कैसे हुआ फ्रेंड्स, यहां भी तीन बन रहा है, यहां भी तीन बन रहा है, यहां भी तीन बन रहा है, यहां भी तीन बन रहा है। अब ये कैसे, अगर आप मान लीजिए, अच्छा मेरे पास ये मिटाने वाला है, इससे हम आपको थोड़ा सा शेडो करके बता सकते हैं कितना हुआ फ्रेंड्स इसमें तीन, तीन हो गया ना फ्रेंड्स। देखिए इस वाले में तीन हुआ ना। अब देखिए फ्रेंड्स अगर मान लीजिए इस वाले को एलिमिनेट कर लेते हैं, हम इस लाइन को एलिमिनेट कर लेते हैं, इस लाइन को एलिमिनेट कर दिए, अब ये लाइन इसको इसमें कितना हो जा रहा है तीन। अब इस लाइन को एलिमिनेट कर दीजिए तो इसमें कितना हो जा रहा है तीन। अब इस लाइन को एलिमिनेट कर दीजिए तो कितना हो जा रहा है तीन। तो ये तीन 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 का हो गया ना बारह, ठीक है बारह एक तेरह। ओके फ्रेंड्स जिन लोग का आंसर आया तेरह मतलब ऑप्शन नंबर वन जिनका आया वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए, क्वेश्चन नंबर छह आ रहा है फ्रेंड्स आपके सामने में और आप लोग सॉल्व करना शुरू कीजिए। छह नंबर क्वेश्चन का आंसर देना शुरू कीजिए आप सभी। ये भी तो फ्रेंड्स क्वेश्चन आप लोग को, ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन भी आप लोग को अच्छे से बताएं। चलिए फ्रेंड्स ये क्या है, मिरर इमेज है, क्या है फ्रेंड्स मिरर इमेज है। चलिए चलिए आप लोग आंसर देना शुरू कर दीजिए, ठीक है ये मिरर इमेज है फ्रेंड्स, इसका आंसर देना आप लोग शुरू कीजिए। भरा हुआ है ये जैसे ही ना, हाँ ठीक है ये ऐसा है ट्रायंगल, ये आधा ऐसा है, फिर क्या क्या G64। ओके फ्रेंड्स चलिए बहुत लोग का आंसर आ गया होगा मेरे हिसाब से। चलिए फ्रेंड्स आप लोग को याद होगा तो हम आपको क्या बताए थे, आपको क्या बताए थे मिरर इमेज के बारे में कि राइट वाला हमेशा लेफ्ट में चला जाता है और लेफ्ट वाला हमेशा राइट में जाता है, और उसके साथ साथ जो वो साइन होता है जो भी चीज है वो भी उलट जाता है। अगर ऐसा है कोई चीज इसका मिरर इमेज, ये अगर ये हम सॉरी अगर ये हम देखिए, ओह भाई साहब थोड़ा सा ना बच्चे को समझाना यार, समझने की कोशिश करो बार बार भर कर। देखिए फ्रेंड्स ये ऐसा है, अगर इसको हम मिरर इमेज होगा इसका मिरर इमेज ऐसा हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर ये ऐसा है तो इसका मिरर इमेज क्या होगा, गलती से भी इसका मिरर इमेज जो है ना ऐसे मत कर दीजिए, वाटर इमेज हो जाएगा, इसका मिरर इमेज सेम टू सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे कुछ दिख रहा है, इसको वाइट ही समझिए अपने आप को इसको, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स तो राइट वाला लेफ्ट में चला जाएगा और राइट वाला इधर आ जाएगा लेफ्ट में और लेफ्ट वाला राइट में उधर आ जाएगा उस साइड के लिए। चलिए तो इसका अगर मिरर इमेज हम लोग बनाना शुरू कर ले तो कैसे बनेगा फ्रेंड्स बताइए, ऑप्शन के थ्रू जल्दी से देखिए। ऑप्शन में देखिए फ्रेंड्स पहले एलिमिनेट कर लीजिएगा ज्यादा दिक्कत, देखिए फ्रेंड्स अगर ऑप्शन में आप एलिमिनेट करेंगे तो लगभग आपके हिसाब से जो है ना वो लोग थोड़ा सा डिजाइन किया है लगभग ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब देखिए अगर आप ऑप्शन नंबर दो देखेंगे तो उसमें देखिए एरो का जो है ना डायरेक्शन चेंज नहीं किया, ऑप्शन नंबर दो एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है बच रहा है 1, 2, 3, 1, 3, 4। ओके ठीक है फ्रेंड्स, और 1, 2, 3, 4 में देखिए, अगर आप 1, 2, 3, 4 में देखेंगे 1 को देखिए वो जो रेक्टेंगल है उसका जो फ्रंट पार्ट है वो ऊपर है तो ये उधर जाने के बाद चेंज नहीं होगा, ऊपर ही रहेगा, यहाँ पे करते तो 1 भी गया और आपका
कौन गया, दो भी गया, बचा तीन और चार, तीन और चार है फ्रेंड्स। देखिए ऊपर वाला दोनों सही है, एरो का और इसका सही है, ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए ट्रायंगल के बारे में चेक करेंगे फ्रेंड्स, तो आपका ट्रायंगल का जो है, ट्रायंगल के साथ ये लोग कर दिए खेल, ट्रायंगल का उधर जाने के बाद जो है, जो ट्रायंगल का लेफ्ट पोर्शन है वो उधर जाने के बाद क्या बन जाएगा, राइट पोर्शन बन जाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर फोर्थ में देखिए लेफ्ट में रहेगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका थ्री हो जाएगा। बार बार की G64 को चेक भी नहीं करना है, ऑप्शन हो जाएगा थ्री, थ्री 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 सही है ना। हाँ फ्रेंड्स सही है, थ्री होगा इसका ऑप्शन, इसका आंसर थ्री हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और अगर आप G64 को चेक कर ले, G64 को चेक कर लीजिए, फोर एकदम सही फिट बैठ रहा है, सिक्स को भी सही है, जी को भी सही, हाँ ऑप्शन नंबर ऑप्शन थ्री हो गया फ्रेंड्स, चलिए ठीक है। चलिए सेवन नंबर क्वेश्चन लगा दीजिए, आप लोग सॉल्व करना शुरू कीजिए। सेवन नंबर क्वेश्चन क्या है, सेवन नंबर क्वेश्चन क्या है, सेवन नंबर क्वेश्चन फटाफट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्या है 29 जनवरी 2003, इसका आंसर बहुत लोगों का आ जाना चाहिए। 2003 पूछा कब का, वेडनेसडे, सॉरी 26 आज का पूछा है ना, ओके चलिए बताइए फ्रेंड्स कितना दिन है, बताइए बताइए कैसे निकालेंगे इसको, इसका आंसर बताइए जल्दी से, और कैसे सॉल्व करेंगे फटाफट बताइए फ्रेंड्स। वेडनेसडे है ना, वेडनेसडे, बहुत सारे लोग का इसका आंसर, किन किन लोगों का इनका इसका आंसर फ्राइडे आया है, जिन लोगों का फ्राइडे आया है बहुत अच्छी बात है, चलो देख लें फ्राइडे सही होता है कि नहीं होता है। फ्राइडे वाले मेरे हिसाब से पूरा पूरी गलत हो जाएंगे बाद बाकी। चलिए फ्रेंड्स आप लोग आंसर देना शुरू कीजिए, और तब तक हम इधर बता देते हैं इसको फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। ओके देखिए फ्रेंड्स क्या है, सबसे पहले हम इसको आप अपने तरीका से भी कर सकते हैं, इसको पूरा जो है ईयरली वाइज जाके काउंट करके वो भी कर सकते हैं। एक और तरीके देख लीजिए, देखिए 29 जनवरी 2003 को क्या है, वेडनेसडे है, 29 जनवरी 2004 को क्या होगा, 2004 को क्या होगा, 2004 को 29 जनवरी, यहां से देख लीजिए 29 जनवरी 2004 को क्या होगा फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी बताइए। 29 जनवरी 2004 को होगा तो आपका थर्सडे, थर्सडे होगा ना, THR कर लीजिए आप लोग, सब थर्सडे होगा ना, थर्सडे होगा ना। बहुत लोग बोलेंगे सर लीप ईयर का कुछ नहीं होगा कॉन्सेप्ट इसमें, अरे नहीं भाई अभी कैसे हो जाएगा, फरवरी तो घुसा ही नहीं, जनवरी तक ही रहा, ये हो गया। चलिए अब यही अगर हम लोग 29 जनवरी 2005 में चले जाए तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, अब आएगा लीप ईयर का कॉन्सेप्ट, थर्सडे है तो क्या हो जाएगा, थर्सडे है तो क्या हो जाएगा, थर्सडे तो क्या हो जाएगा, फ्राइडे सैटरडे एक दिन बढ़ जाएगा क्योंकि लीप ईयर हो गया। 2004 क्या था हमारा, लीप ईयर था, 2004 हमारा लीप ईयर था, जनवरी के बाद से शुरू हो रहा है वहां पे, तो इसलिए इसमें दो दिन ऐड हो जाएगा, फार्म में क्या होगा सैटरडे, सैटरडे हो गया। चलिए 29 तक काम को निकल गया, 29 तक हमें कितना का पूछा, 26 का। अब देखिए जनवरी में कितना दिन बचता, 31 दिन होता है, पता है ना सबको, बताया था जनवरी में 31 दिन होता है, तो 29 में कितना दिन बचा है, दो दिन प्लस कितना को पूछ रहा है 26 का, दोनों को ऐड कर दीजिए कितना हो गया 28 दिन। अब ऑड निकालना है, 7 से डिवाइड कीजिएगा 28 में, तो क्या ऑड की निकलेगा, क्या पूरा पूरी कट गया, मतलब जीरो, मतलब सैटरडे ही होगा 26 फरवरी 2005 को, समझ में आ गया फ्रेंड्स। एक और देख लीजिए, 29 जनवरी 2003 को वेडनेसडे था तो 29 जनवरी 2004 को थर्सडे हो जाएगा, एक दिन बढ़ता है ना, लीप ईयर उसके बाद से शुरू होगा ना, फरवरी तक, फरवरी के आगे जाते तब लीप ईयर वाला काउंट हो जाता, लेकिन फरवरी के आगे नहीं गए हैं, जनवरी में ही सिमट गए थे हम लोग, तो फिर जनवरी के बाद अब 2005 में आएंगे, तो इसमें तो 2004 लीप ईयर है, तो इसके साथ दो दिन ऐड हो जाएगा, तो थर्सडे से सैटरडे हो गया 29 जनवरी 2005 को, 29 जनवरी 2005 को कितना हो गया सैटरडे हो गया हमारा। अब 29 जनवरी में कितने दिन होते, जनवरी में हाउ मच, हाउ मेनी डेज, जनवरी 31, तो हमारा कितना डेज लेफ्ट हो रहा है, दो, टू डेज लेफ्ट हो रहा है, तो 2 प्लस 26 फरवरी को बोला, 26 डायरेक्ट ऐड करके कितना 28 को आप 7 से डिवाइड करें, क्यों क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमको क्या फाइंड करना है, ऑड डे फाइंड करना है, तो ऑड डे फाइंड करने के लिए आप जब ऑड डे फाइंड किए तो हमको कितना आया, जीरो, कितना आया विगत, जीरो, ठीक है। तो जब जीरो आया तो फिर जीरो को अगर हम, जीरो का तो कुछ है ही नहीं, एक होता तो ऐड हो जाता, जीरो को अगर सैटरडे में ऐड करेंगे तो जी सैटरडे ही होगा, आंसर हमारा हो गया सैटरडे। और ऑप्शन नंबर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर क्या है, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 4 सैटरडे हो गया, ऑप्शन नंबर ये हो गया 4 आपका, ऑप्शन नंबर 4 जिनका आया वेरी गुड सही है। चलिए एक नंबर क्वेश्चन लगा दीजिए, समझ में आया ना फ्रेंड्स, बेसिक बैच में बहुत अच्छे से बताया है इसको, कैलेंडर के ऊपर तो बहुत अच्छा सा काम किया हमने, किया है कि नहीं किया। 8 नंबर क्वेश्चन लगा दीजिए और आप लोग फ्रेंड्स बनाना शुरू कीजिए, 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, ओके 8 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत अच्छा है, देखिए यहां पे ये है ना,
अभी से पूछ रहा है कि अपोजिट एक दूसरे के अपोजिट फेस इसमें से कौन कौन है, ऑप्शन में दिया हुआ है 1, 5, 2, 3। अब फ्रेंड्स पहले जिन लोगों को नहीं आता उन लोग के लिए, जिन लोगों को आता आप लोग आंसर देना, जिन लोगों को नहीं आता फ्रेंड्स एक बार देख लीजिए। देखिए इस वाले में हमेशा जब ऐसे बनाते हैं हमेशा आप देखिए उसका जो एक अल्टरनेट होता है ना वो उसका अपोजिट में होता है। अल्टरनेट वाले जो होते हैं एक दूसरे का, जैसे कि 4 का अपोजिट होगा कौन, 4 का अपोजिट होगा 1, 3 का अपोजिट होगा 2। तो ये तो निकल गया इस लाइन में, आपको पता चल गया अल्टरनेट वाले 4 का अपोजिट 1, 3 का अपोजिट, ये अल्टरनेट ही चलता है अपोजिट के लिए, एक मतलब अपोजिट होंगे दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ऊपर वाले में क्या होगा देखिए फ्रेंड्स, अगर ऊपर वाला सीधा रहता, सीधा रहता और ये जो लाइन, अगर ये सीधा रहता ये लाइन अगर ऐसे रहता यहाँ पे तो यही फॉलो होता, लेकिन क्या इसके बाद अल्टरनेट में कोई है क्या, 6 के बाद अल्टरनेट में नीचे कोई नहीं है लेकिन उसके बगल में अल्टरनेट है, तो ये 6 का अल्टरनेट 5 हो जाएगा, ऐसे होता है। अगर ये 5 यहां भी होता तो भी होता ठीक है, लेकिन आप उसको छोड़ दीजिए, इसी को याद रखिए 6 का अल्टरनेट में यहाँ पे 5 क्यों हुआ, यहाँ पे नहीं है बगल में है ना, तो ये 5 हो गया। इसके अलावा यही दोनों है जो ऊपर नीचे करके दिख रहे हैं आपको, तो अल्टरनेट में 6 का अल्टरनेट में 5 होगा ठीक है फ्रेंड्स। तो 6 का अल्टरनेट में 5, 4 तो देख लीजिए 6 का हो गया 5, 4 का हो गया 1, 3 का हो गया 2। चलिए ऑप्शन मैच कर लीजिए, जिस ऑप्शन में कौन सा मैच करा, 1 और 5 नहीं बिल्कुल नहीं, 2 और 3, हाँ 2 और 3 मैच कर गया, 1 6 नहीं, 6 3 नहीं, 2 और 3 ऑप्शन नंबर 2 और 3 दो करेक्ट आंसर हो गया ठीक है। जो जिन लोगों का 2 आया बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स, समझ गए ना, 6 का 5, 4 का 1, 3 का 2 ठीक है फ्रेंड्स। 6 हाँ ठीक है कोई बात नहीं, चलिए 6 का 5, 4 का 1, 3 का 2, 6 का 5, 4 का 1, 3 का 2 ठीक है फ्रेंड्स। समझ में आ गया कैसे हुआ, अब अल्टरनेट वाला 4 का 1 हो जाएगा, 3 का 2 हो जाएगा, 6 का 5 होगा, ये कितना भी बड़ा रहे आपको ऐसे ही करना है इसको ठीक है। चलिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, जिनका आ गया बहुत अच्छी बात है। 9 नंबर लगेंगे क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन तो इजी है, इजी मतलब बहुत फटाफट कर लेंगे हम लोग, क्या है 65, 70, 80, 90, 5, 115, 115, उसके बाद है 170। चलिए फ्रेंड्स इसका आंसर बताना शुरू कर दीजिए, हम नहीं बताएंगे इसका आंसर, फटाफट बताइए। बताइए फ्रेंड्स, आगे आंसर आप लोग का, सारे बच्चे आप लोग आंसर देना शुरू करते हैं, पता अच्छा है, पता है मुझे आप लोग सारे आंसर दे रहे हैं। कुछ लोग क्या करते हैं ना, आंसर देखते हैं उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, एक का आंसर आया बस लगता है कि सही होगा। हाँ कुछ देखिए ये भी एक पॉजिटिव चीज है, क्या है पॉजिटिव चीज का आपके ऊपर देखिए, और बच्चे कितने विश्वास कर लेते हैं कि अच्छा उन्होंने दिया आंसर, चलो फटाफट मारो दो 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 एक लाइन से दो दो आ जाता है कुछ लोग वेट करते रहते हैं क्या, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप देख गौर करेंगे तो 5 ऐड हुआ इसमें, 10 ऐड हुआ इसमें, 15 ऐड हुआ इसमें, 20 ऐड हुआ इसमें, तो क्या है 5-5 का फॉलो हो रहा है ना, 5, 10, 15, 20, तो इसमें कितना हो जाएगा 25 ऐड हो जाएगा, जो भी इसमें 25 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 1 and 9, 25 ऐड कीजिए कितना होगा, होगा ना ये ब्लैंक के जगह पे क्या हो जाएगा आपका 140 होगा कि नहीं होगा, ये हमारा 140 कितना है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में 3 हो गया आपका करेक्ट आंसर ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन लगा दीजिए, 10 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोग देखिए क्या है, ये भी तो इजी फ्रेंड्स है, क्या है कुदाल चम्मच चाकू कांटा, इसका तो हम लिखेंगे नहीं, आप लोग आंसर बताइए, कुदाल चम्मच चाकू कांटा स्पेड स्पून नाइफ फॉर्क, चलिए बताइए इसका आंसर बताइए, ये तो बहुत इजी है मतलब नहीं कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा, हाँ चलिए बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर बताइए। एनर्जी के साथ फ्रेंड्स, बिल्कुल एनर्जी में गिरावट नहीं चाहिए, मेरा एनर्जी थोड़ा सा लो लग रहा होगा आप लोगों को समझ में आ रहा है मुझे, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, आपकी एनर्जी बरकरार रहनी चाहिए, आपकी आंसर देने की कैपेबिलिटी बरकरार रहनी चाहिए, आप ये समझिए कि हमारा जो भी जिस हिसाब से उसके बाद भी आपके लिए प्रैक्टिस सेशन लेके आ रहे हैं हम लोग, आप ही के लिए लेके आ रहे हैं फ्रेंड्स, ताकि आपका अच्छा हो पाए ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में क्या है,
बता ही चुके हैं, इसका आंसर बताइए जल्दी से। देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर मेरे हिसाब से और मेरा जो आंसर है वो होगा वन। इंग्लिश में स्पेड, हिंदी में कुटाव। अब ये कैसे, क्या लॉजिक इसके पीछे सर आपका? लॉजिक ये फ्रेंड्स, देखिए चम्मच चाकू कांटा, अगर आप देखेंगे स्पून नाइफ और ये तीनों चीज, जो लोग भी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए होंगे, बहुत सारे लोग गए होंगे फ्रेंड्स, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं जमाने बाद गया था, मतलब जमाने क्या, मैं बहुत दिनों बाद गया था कि हाँ वहां पे छुरी कांटा था। मुझे नहीं पसंद, मुझे हाथ से खाना बहुत अच्छा पसंद, मैं हाथ से ही खाना है ये करता हूँ, ठीक है, खाता हूँ, ठीक है। कुछ खाना तो ऐसे है जो हाथ से ना खाओ तो पेट ही नहीं भरता है, लाइक बिरयानी, ठीक है, आप पता ही है, थोड़ा सा कोलकाता वाला भी टेस्ट है उसमें बिरयानी को लेकर अपना है, तो बिरयानी के लिए आपको हाथ अच्छे, ये बात नहीं। तो कुदाल चाकू चम्मच में समझ जाएगा फ्रेंड्स, खाने को रिलेटेड है, मतलब कि तीन जो चीज है, चम्मच चाकू कांटा मतलब स्पून नाइफ फॉर्क जो है वो खाने के टाइम पे आप लोग टेबल पर रखा तो उसके चले, लेकिन कुदाल से क्या, कुदाल से क्या काटेंगे भाई, कोई सब्जी है ऐसा जो है कुछ भी मतलब भी है खाने का चीज जो कुदाल से काटेंगे नहीं। चलिए ग्यारह नंबर क्वेश्चन लगाइए, ग्यारह नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, चलिए आप लोग आंसर देना शुरू कीजिए। ग्यारह नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, अगेन अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्या किया हुआ है इसमें, क्या पूछ रहा है इसमें कि हाउ मेनी इंडियन सीनियर लॉयर्स आर देयर हु आर नॉट फादर। ओके चलिए हिंदी में क्या, कितने भारतीय को दर्शाता गया है कितने भारतीय वरिष्ठ अधिवक्ता पिता नहीं, कितने भारतीय वरिष्ठ अधिवक्ता पिता नहीं है। चलिए फ्रेंड्स इसका आंसर बताइए, अरे फटाफट बताइए, जब सच पर इसको देखिए, इस क्वेश्चन को करने वक्त ऐसा नहीं कि शुरू से पढ़ते आना है और तब जाकर करना, नहीं ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन का डायरेक्ट आप कुछ एक पूछ कर रहा है, ठीक है, उसके बाद से तुरंत से उसमें देखिए कुछ कौन किसके लिए किसको बोला है, ठीक है, वहां से एलिमिनेट करते जाइए, जल्दी बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब बोला कितने भारतीय वरिष्ठ अधिवक्ता पिता नहीं, चलो आप लोग आंसर बताइए तब हम बताएंगे, अगर हाँ आंसर बताइए जल्दी से, बताइए आंसर बताइए आप लोग जल्दी जल्दी फटाफट बताइए, हाँ हाँ फटाफट। चलिए फ्रेंड्स आप देखिए इधर, जिन लोगों का बन गया बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, ओके चलिए अब इधर देखिए, जिन लोगों का नहीं बना, देखिए यहाँ पे क्या बोले, कितने भारतीय वरिष्ठ अधिवक्ता पिता नहीं है, पिता नहीं है, तो सबसे पहले फादर को पूछिए, फादर वाले को किसको बोला कि पिता, त्रिभुज पिता को दर्शाता है, मतलब ट्रायंगल फादर को दर्शाता है, ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स फादर, तो ट्रायंगल पहले उड़ के चला, ट्रायंगल उड़ गया तो उसे आंधी में बहुत कुछ उड़ जा रहा है, यहाँ पे देखिए उड़ गया, उसके बाद क्या बोला है, नहीं ओके, अब बोला इंडियन, अब इंडियन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, रेक्टेंगल इंडियन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसके बाद से वरिष्ठ लॉयर जो है उसको कौन, सीनियर लॉयर जो है उसको कौन रिप्रेजेंट कर, उसको सर्कल रिप्रेजेंट कर, ओके। तो फ्रेंड्स अगर आप 36 को देखेंगे तो वो रेक्टेंगल और लॉयर में, तो सर्कल और रेक्टेंगल के बीच में है 36, तो यहाँ पे आपका वही हो गया आपका आंसर, ठीक है, इसका आंसर हो गया 1, 36, जिनका 36 आया बल्ले बल्ले सावा सावा, और जिनका 36 नहीं आया कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में आप ही करेंगे बल्ले बल्ले सावा सावा। चलिए बल्ले बल्ले सावा सावा 12 नंबर क्वेश्चन आप भी लगाइए जल्दी से फ्रेंड्स, आप लोग क्वेश्चन दिख रहे हैं, आप लोग को आंसर देना शुरू कर दीजिए, ये तो बड़ा इजी हो गया जी, मतलब आज का क्वेश्चन का लेवल ऐसा था कि या तो आप लोग वाला क्वेश्चन है या तो ऐसे वाला। चलिए वीट, अच्छा टी कॉफी, सी टी ट्रैफिक, सिनेमा, स्पाइसेस, विनर प्राइज, ओके फ्रेंड्स बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका आंसर, वीट किसमें आता है, क्वेल में, क्वेल मतलब अनाज, अनाज ना गेहूं अनाज में आता है, चाय कॉफी उसके बाद शहर ट्रैफिक, दालचीनी मसाला, सिनेमन स्पाइसेस में आते हैं, विजेता पुरस्कार, चलिए बताइए इसका आंसर बताइए बहुत जल्दी, इसका आंसर आ जाना चाहिए आप लोग का। देखिए फ्रेंड्स क्या बोला है, गेहूं किसमें आता है, अनाज में आता है, क्रेल में आता है ना वीट, ओके। अब देखिए टी कॉफी दोनों अलग अलग चीज है, ठीक, अगर टी कॉफी जो है, टी कॉफी हम लोग पीते हैं, तो ये पहला ऑप्शन खत्म हो गया। सिटी ट्रैफिक ऐसा क्या होगा, ट्रैफिक में सिटी आता है, मतलब सिटी में ट्रैफिक होता है, ठीक है, लेकिन क्या ये सिटी ट्रैफिक का टाइप्स है क्या, नहीं है, मतलब ट्रैफिक का कोई होता है क्या, नहीं बिल्कुल भी नहीं है। विनर प्राइज, विनर जो है उसको प्राइज मिला, ये सब कुछ नहीं हो रहा है, एक ही देखिए सिनेमन और स्पाइसेस, मतलब दालचीनी और मसाला में दालचीनी को काउंट, जैसे अनाज में गेहूं काउंट होता है, उसी मसाले में दालचीनी काउंट होता है, बार बाकी के ऑप्शन सही नहीं होते, इसका आंसर हो गया 3, 12 का आंसर हो गया 3। चलिए फ्रेंड्स अब आप लोग क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, आप लोग क्या करते हैं पता है जल्दी से शुरू कर दीजिए, क्या मार्क्स बताते हैं आप लोग के कितने मार्क्स है,
फटाफट बताइए कितने मार्क्स आए, प्लस सबके जल्दी बताइए, आप लोग मार्क्स बताइए फटाफट कितने आए, कितने बंदे आए मेरे दोस्त इस बार, ये वाला लाया है बहुत अच्छे, हंसिए थोड़ा, 11 वाले आप भी हंसी आज, ठीक है थोड़ा सा, 10 के बिलो जिन लोगों का भी मार्क्स है 10 या 10 के बिलो, आप लोग को प्रैक्टिस करने की और जरूरत है, और प्रैक्टिस करना, और आपका भी 12 में 12 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके अच्छे मार्क्स आते हैं, उन लोग का कमेंट भी आता है, और हम फ्रेंड्स इसके बाद जो है इस क्लास के खत्म होने के बाद हम टेलीग्राम पे भी आपका मार्क्स पूछते हैं, और वहां पे भी आप लोग को और भी अच्छे से बताते हैं कि आपको और क्या करना है, किस क्या काम करना है, वो भी बताते हैं, तो आप लोग टेलीग्राम रीजनिंग में विक्रम सर वो भी ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, ठीक है, वहां पे भी आप लोग को थोड़ा सा आते हैं, बात भी कर लेते हैं आप लोग से, वहां पे कोई आप लोग का डाउट होता है वो भी क्लियर करते रहते हैं, ठीक है, तो वहां पे भी आके आप लोग अपना ये सेशन मतलब डाउट वगैरह सब रेज कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो 12 क्वेश्चन ये सेशन समाप्त करते हैं फ्रेंड्स, उससे पहले फ्रेंड्स आप लोग हमारा सारा प्रैक्टिस सेशन शुरू हो गया, सारे प्रैक्टिस सेशन को देखिए, मैथ्स वाले जिनका मैथ्स है वो लोग मैथ्स देखिए जाके, अभी सर नाम ले रहे हैं बड़े अच्छे से, क्वेश्चन का लेवल उनका बहुत अच्छा है, कभी कभी क्लास में मैं भी घुस जाता हूँ, मैं भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ, मजा आता है यार ये सब करने में, अच्छा लगता है, ठीक है, आप लोग भी किया कीजिए। मैम के टेक्निकल का शुरू हो गया है लोग के लिए, क्रैश कोर्स टाइप हो गया, उसमें पूरा मैम एकदम अच्छी डिटेल से बता रहे, बहुत अच्छे से बता रहे, ईच एंड एवरी पॉइंट्स को मैम क्लियर कर रही है, ठीक है, वो भी जाके आप देखिए कर रही है, ये वैसे नहीं बोल रहे हैं, हम खुद क्लास देखे हैं मैम का, इसीलिए बोल रहे हैं मनीषा मैम का, हाँ बिल्कुल, जाके आप लोग उस क्लास को भी देखिए, सारे क्लास को देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल नहीं डरना है, सबका एग्जाम क्लियर होगा, सबका होगा, सबका मतलब जितने भी आप मेहनत कर रहे हैं ना, सब लोग जो है ना, देखिए इस सब चीज से नहीं डरना है, क्या DFCCIL है बाद क्या आपके DFCCIL में जिंदगी समाप्त हो जानी है क्या, नहीं होनी है, बिल्कुल नहीं होनी है फ्रेंड्स, एक बात याद रखिए, मेहनत कभी भी जाया नहीं जाता है, इस चीज को हमेशा याद रखिए, मेहनत कभी भी जाया नहीं जाता है, तो बिल्कुल भी हार डरना नहीं है, एकदम आपको अपना पूरा बेस्ट देना है, जितना दे सकते हैं उतना दीजिए, उतना दीजिए जिस जहां आपको ये लगे कि यार इसके बाद ना मेरा कैपेबिलिटी खत्म है, इसके बाद हम नहीं दे सकते, तो उस दिन आप पढ़ना छोड़ दीजिएगा, ठीक है, लेकिन जब तक लग रहा है अरे यार थोड़ा सा ना मेरा बच गया था, मेरा थोड़ा सा 10% लगता ना हम कम किए थे, थोड़ा सा और कर लेते, ये मेरा लेवल है, अपने लेवल का बेस्ट दीजिए, बिल्कुल हो जाएगा, कुछ क्लियर हो जाएगा, डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा एग्जाम फ्रेंड्स, होगा क्लियर, सबका होगा, ठीक है फ्रेंड्स, मोटिवेट रहिए, मस्त रहिए, और प्रिपरेशन में पूरा चार चांद लगाइए अपने प्रिपरेशन में, ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए करवाने के लिए हम लोग आपके साथ आए, ओके फ्रेंड्स, चलिए इसी के साथ इस क्लास को यहाँ पे समाप्त करते हैं, मूल मंत्र क्या है, पिछले दो क्लास में मूल मंत्र बोले भी है कि नहीं बोले हमें नहीं याद है, चलिए फ्रेंड्स हमारा मूल मंत्र है शिद्दत, शिद्दत मतलब मेहनत, शिद्दत मतलब जॉब की शिद्दत, ठीक है, शिद्दत को पाने के लिए तो मेहनत करना पड़ता है, यहाँ पे मेहनत किस, मेहनत मतलब पढ़ाई, पढ़ाई खूब कीजिए, मेहनत से जॉब लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।